नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की नदियों के बारे में, और राजस्थान की नदियों में हमने बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। अरब सागर और आंतरिक अपवादंतर की नदियों के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। इसी में भी हमने चंबल नदी के बारे में पूरा संपूर्ण अध्ययन कर लिया। फिर हम पढ़ रहे थे बनास नदी, और बनास की भी क्या कुछ सहायक नदियों के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बनास की और प्रमुख सहायक नदी, जैसे बेड़त नदी। बेड़त नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गोकुंडा की पहाड़ी उदयपुर से क्या होता है, उद्गम होता है। गोकुंडा पहाड़ी उदयपुर से किसका उद्गम होता है? तो बेड़स नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। दोस्तों ये कहां कहां बहाव क्षेत्र क्या है, तो उदयपुर चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बिगोद में जाकर ये बनास में मिल जाती है। बहाव क्षेत्र लिखो दोस्तों, बहाव क्षेत्र बेड़स नदी का कहां से कहां तक है? तो ये उदयपुर से स्टार्ट होती है, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद में आगे जाकर चलती है भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर। भीलवाड़ा के बिगोद में बनास में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। दोस्तों इस नदी पर एक प्रमुख बात है, इस पर दो सभ्यता स्थित है, एक तो कौन सी, बालातन सभ्यता और एक आहाड़ सभ्यता। तो लिखो दोस्तों, इस नदी पर आहड़ व बालाथल सभ्यता स्थित है। तो आपको पूछ लिया जाए आहड़ व बालाथल सभ्यता किस नदी पर स्थित है, तो बेड़स नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसमें चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी बांध स्थित है। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी, ऐसे लिखो दोस्तों, घोसुंडी बांध स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए घोसुंडी बांध कहाँ स्थित है, एक तो ये बात क्वेश्चन आ सकता है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और कौन सी नदी पर स्थित है, तो बेड़स नदी पर स्थित है। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 180 किलोमीटर है। ये बनास की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? बेड़स नदी है। जबकि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे जाए तो बनास नदी है। आगे दोस्तों बात करते हैं हम गंभीरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मध्य प्रदेश के जावद पहाड़ी से होता है। तो एमपी की जावद पहाड़ी से उद्गम होता है, सिर्फ उद्गम। और ये प्रवेश कहां से करती है? दोस्तों उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के जावद पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में यह प्रवेश करती है। तो एक क्वेश्चन लिख लो दोस्तों, ऐसे लिख लो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़स, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। और पठार पूछा जाए तो मेसा का पठार मैंने लिखाया हुआ है, जो क्या करवाया था मैंने, भौतिक प्रदेश आपको राजस्थान के करवाए थे, तो उसमें मैंने लिखाया था मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो और चित्तौड़गढ़ ये मेसा पठार किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, ये पूछ लिया जाए तो गंभीरी और बेड़स नदियों के मध्य कौन सा पठार है, तो मेसा का पठार है। दोस्तों बेड़स नदी के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। बेड़स नदी का उद्गम गोकुंडा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर चित्तौड़ और भीलवाड़ा में इसका बहाव क्षेत्र है। बिगोद में जाकर यह बनास में मिल जाती है। इस नदी पर आहाड़ व बालाथल दो सभ्यताएं स्थित है। कौन कौन सी? आहाड़
जो ताम्र युगीन सभ्यताओं के नाम से जानी जाती है और बालाथल सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी बांध स्थित है और जिस नदी पर बेड़स नदी पर। आगे बात करते हैं गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जावाद पहाड़ी से होता है और इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर स्थित है, तो गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, तो मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ये था दोस्तों इन नदियों के बारे में डिटेल। फिर और आगे की नदियां पढ़ेंगे, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं और सहायक नदियों के बारे में, उसमें प्रमुख नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो दिवेर घाट राजसमंद से। क्या होता है कोठारी नदी का क्या होता है उद्गम होता है, तो दिवेर घाट राजसमंद से। उद्गम कहां से, दिवेर घाट पोस्टर में राजसमंद। राजसमंद से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कोठारी नदी का उद्गम होता है। हम बात करते हैं बहाव क्षेत्र की। बहाव क्षेत्र कौन कौन से है, तो बहाव क्षेत्र उद्गम कहां से हुआ, राजसमंद से। तो राजसमंद के बाद में कहां पर, राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का एक टुकड़ा और कौन सा, भीलवाड़ा। इसके बाद में चित्तौड़, आगे कहां जाती है, भीलवाड़ा के बाद में शाहपुरा, चित्तौड़ नहीं जाती है, शाहपुरा। शाहपुरा में कौन सी नदी बहती है, तो कोठारी नदी बहती है। इस पर एक बांध स्थित है, तो लिखो दोस्तों इस नदी पर मेजा बांध स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी कृषि पर्यवेक्षक का पेपर लगा था, उसी में भी ये क्वेश्चन पूछा था मेजा बांध कहां स्थित है। तो मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर स्थित है, और कहां है कोठारी नदी, और इस पर एक सभ्यता। बात करते हैं बागोर सभ्यता। इस नदी पर ये भी क्वेश्चन अभी कल ही पेपर हुआ है, किसका, कृषि पर्यवेक्षक का। उसमें आया था कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो इस नदी पर बागोर सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक नोट लगाकर क्वेश्चन लिख लो, ये अभी कृषि पर्यवेक्षक में आया था, नोट लगाकर कल ही आया है कृषि पर्यवेक्षक में, कि लिखो बागोर सभ्यता में राजस्थान के सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता किस नदी पर स्थित है, तो कोठारी नदी पर यह क्या है स्थित है। आगे बात करते हैं खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहां से होता है, बिजराल पहाड़ी से। ये एक खारी नदी तो किस की सहायक नदी है, एक खारी नदी तो लूणी की सहायक नदी है, और एक खारी नदी बनास की भी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है, बिजराल पहाड़ी से। बिजराल पहाड़ी कहां है, राजसमंद से, राजसमंद में। बिजराल पहाड़ी राजसमंद से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 80 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो कुल लंबाई कितनी है, 80 किलोमीटर। और बात करते हैं बहाव क्षेत्र। तो बहाव क्षेत्र कौन कौन से है, तो अजमेर के तो तीन टुक हुए थे, तो तीनों टुक तो अजमेर के और एक राजसमंद। तो इसका बहाव क्षेत्र लिखो दोस्तों, राजसमंद भीलवाड़ा केकड़ी और ब्यावर, और एक क्षेत्र हो गया अजमेर। एक क्षेत्र कौन सा हो गया, अजमेर। ये किसका बहाव क्षेत्र है दोस्तों, खारी नदी का क्या है, बहाव क्षेत्र है। बिजराल पहाड़ी राजसमंद से क्या होता है, उद्गम होता है। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है, दिवेर घाट राजसमंद से। क्या होता है, कोठारी नदी का उद्गम होता है। इस नदी का बहाव क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा है। इस नदी पर कौन सी सभ्यता स्थित है, बागोर सभ्यता स्थित है, और इस पर एक मेजा बांध, ये भी मोस्ट है दोस्तों। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, तो कोठारी नदी पर स्थित है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और ये ही कल कृषि पर्यवेक्षक में आया था, बागौर सभ्यता पे राजस्थान के सबसे प्राचीनतम पशुपालन के क्या हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों खारी नदी का उद्गम, खारी नदी का उद्गम बिजराल पहाड़ी राजसमंद से होता है और ये कितने किलोमीटर है, 80 किलोमीटर लंबी है। इसका बहाव क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी, ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी, ब्यावर और अजमेर में क्या है, इसका बहाव क्षेत्र है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम डाई नदी के बारे में। डाई नदी क्या है दोस्तों, डाई नदी भी एक इसकी साई नदी है। किसकी? डाई नदी। मैंने लिखा है कि डाई नदी किसकी साई नदी है, बनास की साई नदी है, उसके बारे में और लिखा देता हूँ, फिर बनास की संपूर्ण साई नदियों के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। तो डाई नदी का उद्गम कहां से होता है, किशनगंज बारा से इसका उद्गम होता है, किशनगंज क्षेत्र से क्या होता है, इस नदी का उद्गम होता है। और ये किसकी सहायक नदी है, डाई, तो डाई बनास की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। और दो क्वेश्चन नदियों के बारे में आगे करते हैं। इससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे एक बाणगंगा नदी के बारे में और उसके बाद में कुछ फैक्ट के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। दोस्तों आगे बात करते हैं हम बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बेराट की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से, बेराट की पहाड़ी से क्या होता है, उद्गम होता है। ये कहां है, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में है, जयपुर ग्रामीण से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो बाणगंगा को किस उपनामों से जाना जाता है, अर्जुन की गंगा, ताल की गंगा और रुंडित नदी। तो इसे क्या कहते हैं, एक तो अर्जुन की गंगा, ताल नदी और एक ये फेमस नाम है रुंडित नदी। रुंडित नदी क्यों कहा जाता है, ये मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि रुंडित नदी बाणगंगा को क्यों कहा जाता है। रुंडित नदी इसलिए कहा जाता है, ये नदी बिना किसी सहायक नदी के माध्यम से अपना जल एक बड़ी नदी को ले जाकर गिरा देती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे रुंडित नदी कहते हैं। और ये किसे ले जाकर देती है, इसके बाद में ये यमुना में जाकर अपना जल गिराती है। तो इसका बहाव क्षेत्र की बात करें, देखो दोस्तों बहाव क्षेत्र, पहले इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी राजस्थान में तो लंबाई है 280 किलोमीटर, 240 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। अब हम इसके बहाव क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है दोस्तों इस नदी का, तो इस नदी का बहाव क्षेत्र जयपुर ग्रामीण। ठीक है दोस्तों, आगे आता है कोटपुतली बहरोड। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ये भरतपुर में भी क्या करती है, अपना जल मिलाती है और एक दोसा जाती है और दोसा से भरतपुर के बाद में ये यमुना में चली जाती है। यमुना में क्या करती है, अपना जल गिराती है, कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। ठीक है दोस्तों, ये था इसका बहाव क्षेत्र। ये बात करते हैं इस पर जयपुर ग्राम कोटपुतली बहरोड, इस नदी पर देखो दोस्तों, इस नदी पर कोटपुतली बहरोड में बेराट सभ्यता स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए बेराट सभ्यता कहाँ है, पहले ये जयपुर में आया करती थी दोस्तों, ये कहाँ आती है, कोटपुतली बहरोड के अंदर कौन सी सभ्यता स्थित है, तो बेराट सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसमें जयपुर ग्रामीण में जमुआ रामगढ़ अभयारण्य है, तो लिखो दोस्तों जमुआ रामगढ़ अभयारण्य व जमुआ रामगढ़ बांध भी स्थित है। तो इस नदी पर जयपुर ग्रामीण में जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है। दोस्तों एक और आगे बात करते हैं, तो इस नदी पर भरतपुर में आजना बांध स्थित है, ये यहीं पे लिख लो, इस नदी पर भरतपुर में आजना बांध स्थित है, अंजना
बांध स्थित है। और ये अंजाना बांध कौन सा है? ये अंजाना बांध वही है जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य को क्या करता है, जल उपलब्ध कराने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? विराट की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? बाणगंगा नदी का। दोस्तों इसे अर्जुन की गंगा, काल नदी व रुंडित नदी के नाम से इसे जाना जाता है। रुंडित नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी राजस्थान में लंबाई 240 किलोमीटर है और कुल लंबाई इसकी 380 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं इसके बहाव क्षेत्र। इसका बहाव क्षेत्र जयपुर ग्रामीण है, कोटपुतली बहरोड है, दौसा है, भरतपुर है और यमुना नदी में आगे जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड में इस नदी पर विराट सभ्यता स्थित है। कौन सी नदी पर? बाणगंगा नदी पर। आगे बात करते हैं इस नदी पर जयपुर ग्रामीण में जमवारामगढ़ बांध स्थित है। और बात करते हैं भरतपुर में इस नदी पर आंजना बांध स्थित है जो कि केवलादेव पक्षी अभयारण्य को जलापूर्ति कराने का काम करता है। ये थी दोस्तों आपके बाणगंगा नदी के बारे में। अब हमारा बच गया नदियों में एक, मैंने आपको वो जो टॉपिक नहीं करवाया कि प्रमुख नदियों के संगम कौन कौन से है, जैसे रामेश्वर चंबल पर चंबल बनास शिप नदी का, त्रिवेणी संगमों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। दोस्तों आगे हम बात करते हैं नदियों के त्रिवेणी संगमों के बारे में। ये मान लेना चार संगम लिखाऊंगा, इससे क्वेश्चन आएगा 101% आएगा क्वेश्चन, ये भी पक्का है। जैसे मैंने बताया था कि चंबल नदी के बांधों के बारे में क्वेश्चन याद कर लेना, अभी आया कल ही पेपर हुआ है कृषि प्रवेक्षक का, उसमें जो चंबल नदी पर मैंने चार बांध करवाए थे उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट है। तो सोम माही जाखम का एक त्रिवेणी संगम है, सोम नदी माही और जाखम, सोम माही और जाखम, जाखम नदी का त्रिवेणी संगम कहां पर स्थित है तो आपसे पूछ लिया जाए, बड़ेश्वर धाम डूंगरपुर में। तो कहां पर है? मणेश्वर धाम, धाम डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, यहीं पे। दोस्तों क्या लगता है राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासी मेला, पूछ लिया जाए तो आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। लिखो दोस्तों इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, का कुंभ कहा जाता है। और ये भी मेला कब लगता है, तो मेला कई बार पूछा हुआ है, ये मेला कब लगता है बड़ेश्वर धाम डूंगरपुर पे? माघ पूर्णिमा को। तो ये भी लिख लो दोस्तों, माघ पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। तो एक त्रिवेणी संगम हो गया, कौन सा? सोम माई जाखम का। दूसरा बनास भेड़च और मेनाल नदी का त्रिवेणी संगम है। कौन सा? बनास भेड़च और मेनाल बेगोद भीलवाड़ा में क्या है, त्रिवेणी संगम स्थित है। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। तो लिखो दोस्तों त्रिवेणी संगम बनास भेड़च और मेनाल कराई थी ना मैंने, लिखे साहिल नदियां इसकी, बनास की सारी नदियां करवाई थी ना, उसमें बनास भेड़च और मेनाल तीनों नदियों एक जगह आकर कहां पर मिलती है, तो बिगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत, तो बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है? तो बनास नदी पर है। आगे बात करते हैं बनास ढाई और खारी, तीसरा त्रिवेणी संगम बनास ढाई और खारी, बनास ढाई जो किशनगंज से उसका उद्गम होता है, बनास ढाई और खारी, खारी नदी इनका त्रिवेणी संगम कहां है? राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में। ठीक है, ये राजमहल टोंक क्यों प्रसिद्ध था? ऊंटों की कुर्बानी के लिए, जब ऊंटों की कुर्बानी दी जाती थी कौन से महल में? राजमहल टोंक में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एक त्रिवेणी और चंबल बनास शिप नदी का, रामेश्वरम सवाई माधेपुर में। तो चौथा संगम कौन सा है? चंबल बनास और शिप नदी और कहीं पर है? रामेश्वरम कहां है? सवाई माधेपुर में, सवाई
माधोपुर, सवाई माधोपुर, ये चौथा त्रिवेणी संगम है। यहीं पे क्या लगता है? मीणा जनजाति का कुंभ लगता है। मीणा जनजाति का कुंभ, जनजाति का कुंभ लगता है। कौन से स्थान पे? रामेश्वरम स्थान पे मीणा जनजाति का सबसे बड़ा कुंभ लगता है। तो ये थे चार संगम, और ये मोस्ट है, ये तो आपको रटना ही है। ये मान लो आप 100% से एपी क्वेश्चन आने का चांस रहते हैं। कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, एक बार फिर से रिवीजन करवा लेता हूं कि कौन कौन से आपके त्रिवेणी संगम है चार। तो पहला त्रिवेणी संगम सोमाही जाखम मणेश्वर धाम डूंगरपुर में क्या है? पहला त्रिवेणी संगम है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, यहाँ पे आदिवासियों का सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं बनास भेड़च और मेनाल नदी। बनास भेड़च मेनाल नदी बिगोद भीलवाड़ा मंडलगढ़ में क्या लगता है? इसका कुंभ लगता है। इसके बाद में तीसरा त्रिवेणी संगम के बारे में बात करते हैं, बनास ढाई खारी नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है, राजमहल टोंक में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम कौन सा बनता है। तो चंबल बनास और शिव नदी का क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। ये रामेश्वरम, रामेश्वरम कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। यहाँ मेड़ा जनजाति का क्या लगता है? सबसे बड़ा कुंभ लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे नदियों के त्रिवेणी संगम। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम एक और नया टॉपिक अध्ययन करने के लिए जाएंगे, जो पशु परीक्षक भर्ती को देखते हुए विशेष तौर पे पहले ये नदियों को, नदियों के टॉपिक के बाद में वैसे तो जिलों का टॉपिक आना चाहिए था, जलवायु का टॉपिक आना चाहिए था, उसको कृषि पशु परीक्षक की भर्ती को देखते हुए बी पार्ट भी साथ में समाहित करते हुए हम करेंगे पहले पशु जनगणना का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।